स्वागत है सबका फिर से इस चैनल पे और हम लोग आज ये टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हम लोगों ने पिछली बार वीडियो में डिस्कस किया था तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे सो so, पिछली बार हम लोगों ने मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रिजेनरेशन के बारे में ये डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल रिजनरेशन दो मेथड्स हैं सीड प्रोपेशन और वेजिटेटिव प्रपोगेशन सो so, हम लोग अब आ, ये या सीट प्रोपोगेशन के बारे में भी हम लोगों ने सीखा था कि सीट प्रोपोगेशन क्या होता है और इसके क्या आ, ये फ़ायदे हैं एडवांटेज हैं और इसके कुछ ये डिसएडवानटेज भी हैं तो हम लोगों ने वो भी डिस्कस किया था सो so, अब हम लोग आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सो लेट्स स्टार्ट तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसको असेक्शुअल प्रोपोगेशन भी बोला जाता है ओके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या असेक्शुअल प्रोपोगेशन ठीक है आई कैन गिव यू क्वेश्चन मैं ऐसे क्वेश्चन दे सकती हूँ कि इससे में कौन सा मतलब असेक्शुअल प्रोपोगेशन लाइक उसका दूसरा नाम है लाइक वी कैन कॉल इट असेक्शुअल प्रोपोगेशन तो आपका आंसर क्या होगा सीड या वेजिटेटिव वेजिटेटिव ओके वेजिटेटिव इज असेक्शुअल प्रोपोगेशन के okay. क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब वेजिटेटिव से ही मतलब जो वेजिटेटिव पार्ट्स है के okay? जो पार्ट्स है प्लान का उससे ही प्रोपिगेट होता है लाइक प्रोपगेशन होता है ओके okay? लाइक जो वेजिटेटिव मीन्स है फिर जो प्लान पार्ट्स है या फिर प्लांट्स के टिश्यूज़ है उससे ये होता है प्रोपिगेट होते हैं प्रोपिगेशन मेथड होता है राइट सो right. so, यहाँ पर भी मतलब आप देख सकते हो स्लाइड में यहाँ पर मैंने ये नेट से लिया है यहाँ पर लिखा है कि वेजिटेटिव प्रोफिकेशन मतलब यूजिंग प्लांट्स कटिंग टू व्हाट टू रिप्रोड्यूस प्लांट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट्स जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो आ, ये मेन ब्रांच है मेन मदर प्लान है इनसे मतलब ना जो ये मेन ब्रांच है यहाँ से आप uh, काटते हो यू कट इट ओके आफ्टर कटिंग इट देन यू इट ओके दिस इज़ वन पार्ट मतलब ये एक पार्ट है बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी है ओके लाइक यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो बर्डिंग ग्राफ्टिंग लेयरिंग राइट सो आई डोंट नो कि आपने मतलब अभी तक लाइक uh, इस टॉपिक को पढ़ा है कि नहीं ओके okay? अगर पढ़ा है तो कितना आप लाइक सम, uh, like, आपको समझ में आ रहा है लाइक दिस वन जो प्रोपिगेशन है ठीक है जो बडिंग है ग्राफ्टिंग है वी विल डिस्कस हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी सो लेट्स गो फर्स्ट सुडवाटेज पहले एडवांटेज में जाएंगे राइट लाइक नॉनली एडवांटेजेस लेकिन जो डिस एडवांटेजेस भी हैं सो so हम लोग अभी जाएंगे अगले स्लाइड में तो जो पहला एडवांटेजेस है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का ये हेल्प करता है मदद करता है प्रोड्यूस करने के लिए जो जेनेटिकली सेम प्लान है ओके जेनेटिकली सेम प्लान को आ, ये प्रोड्यूस करता है लाइक प्रोड्यूस आइडेंटिकल आइडेंटिकल जेनेटिकली जो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लान ओके जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लान ये प्रोड्यूस कर सकता है सबसे पहला है ये पॉइंट दैट वेजिटेटिव प्रोपिकेशन इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स और दूसरा पॉइंट क्या है ये है सेकेंड uh, पॉइंट ये है कि कुछ जो पेड़ के स्पीशीज है वो सीड ही प्रोड्यूस नहीं करते हैं या फिर अगर सीड भी प्रोड्यूस करते हैं तो उससे रिप्रोडक्शन like, uh, नहीं हो सकता ठीक है सो so, uh, ऐसे पेड़ के लिए वेजिटेटिव प्रोपिगेसन मतलब बहुत ये है बहुत फ़ायदेमंद uh, है लाइक यू कैन डू बाय यू कैन डू प्रोपिगेशन आप प्रोपिगेशन कर सकते हो वेजिटेटिव वे से जैसे जो उसका जो पेड़ का पार्ट्स है ओके okay? जो पेड़ के ब्रांचेस है ना तो उससे आप कर सकते हो ओके okay? ये ज़्यादातर उस uh, पेड़ में ये उपयोग होता है ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन उस पेड़ में जहाँ पर uh, ये लाइक जो बीज प्रोड्यूस नहीं करता है ओके सो या तो दिस इज द सेकंड पॉइंट नाउ विल कम टू थर्ड पॉइंट जो एक मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का वो है ये ग्राफ्टिंग ओके ग्राफ्टिंग सो जो ग्राफ्टिंग मेथड है वो हेल्प करता है प्रोड्यूस करने को लाइक इट कैन प्रोड्यूस प्लान वो प्लान प्रोड्यूस कर सकता है जो डिजीज और पेस फ्री है ओके सो इट कैन प्रोड्यूस ग्राफ्टिंग से आप क्या प्रोड्यूस कर सकते हो वो प्लान जो डिजीज और पेस फ्री है ओके उस प्लान में पेस या डिजीज नहीं होगा उसके बाद अगला क्या एडवांटेजेस है Uh, इसमें भी मतलब uh, इसमें ना uh, ये एलिमिनेट करता है ये वेरिएबिलिटी को ओके okay? जैसे कि हम लोग ने सीट प्रोपोगेशन में देखा था कि जो एक डिसएडवेंटेजस ये था कि जेनेटिक वरीबिलिटी होता है ओके क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा तो ये वेरिएशन लाता है प्लांटेशन में जिससे कम प्रोडक्टिविटी होता है ओके okay, कम प्रोडक्टिविटी होता है या फिर आ, ग्रोथ में भी लाइक वेरिएबिलिटी होता है ओके इट इफेक्ट ये अफेक्ट करता है बहुत प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोकेशन में ये नहीं होता है ओके okay, लाइक ये एलिमिनेट करता है ये वेरिएबिलिटी को हटाता है वेरेबिलिटी को और ये मतलब इट इज़ वेरी गुड ओके इट्स वेरी गुड एंड यहाँ पर जेनेटिक वेरेबिलिटी नहीं होता है ओके okay? और और एक और जो इसका एडवांटेजेस है कि ये लीड करता है अर्ली फ्लावरिंग में ओके okay? जल्दी फ्लावरिंग होता है इस प्रोसेस में और ये रिड्यूस भी करता है रोटेशन को अब मत पूछना लाइक डोंट थिंक ये रोटेशन अब क्या है मैंने पहले भी बोला था रोटेशन का मीनिंग सो so, ये हेल्प करता है ये अर्ली फ्लावरिंग में जल्दी फ्लावरिंग होता है और ये रिड्यूस करता है रोटेशन को और ये बहुत अच्छा होता है ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है अगर आप अप्लाई करोगे पॉटड प्लान में जो पॉट में प्लान आपने मतलब ये सीड बोया है एंड देन उससे प्लान निकल रहा है तो उस प्लान उस प्लान को जो मेन प्लान है उसे बहुत अच्छा वेजिटेटिव प्रोपीगेशन आप आ, ये अप्लाई कर सकते हो आप कर सकते हो उसमें ठीक है जो पॉट प्लान है उसमें बहुत अच्छा वेजिटेटिव प्रोपीगेसन होता है ओके okay, और ये ब्रीडिंग को भी कंट्रोल करता है ओके okay, जो ब्रीदिंग है सो इट कंट्रोल दैर ऑल्सो ओके और बहुत ये कंट्रोल भी करता है और जो ब्रीदिंग प्रोसेस भी है बहुत लाइक like, uh, बहुत अच्छा लाइक इट हैव रियली इट इस रियली गुड ओके इन द प्लान लाइक ये एक्सेलरेट करता है ब्रीडिंग uh, प्रोसेस को एक्सेलरेट या फिर जो ब्रीडिंग मतलब ब्रीडिंग um, प्रोसेस है लाइक फास्ट प्रोसेस होता है इसका ओके जब वेजिटेटिव प्रोपीगेशन होता है लाइक वेजिटेटिव प्रोपिगेशन इट हेल्प्स टू एक्सेलरेट द ब्रीडिंग प्रोसेस ओके सो सो ये एक पॉइंट है और दूसरा जो इसका एडवांटेजेस है वो ये है ये बहुत रैपिड वाला है लाइक मेथड ओके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इट इज़ अ मोर रेपिड मेथड ओके और इसमें यूनिफॉर्म होता है यूनिफॉर्मिटी होता है राइट एंड इट इज वेरी इट इज वेरी गुड प्रोसेस एंड या इट इज वेरी गुड मेथड और ये हेल्प भी करता है मदद भी करता है प्रिजर्व करने के लिए जो जेनोटाइप है ओके इससे थ्रू द क्लोनल बैंक अप्रोच क्लोनल बैंक अप्रोच मतलब क्या क्लोनल बैंक uh, ये है जो लिविंग कलेक्शन है सिलेक्टेड क्लोन का ओके सिलेक्टेड क्लोन का क्लोन मतलब जो असेक्शुअली प्रोपोगीटेड प्लान है ओके सो क्लोनल बैंक जहाँ पर मतलब कलेक्ट uh, करते हो uh, ये असेक्शुअली प्रोपगेटेड प्लान कोके मैनेज करने के लिए लाइक विच आर मैनेज बाय व्हाट विच आर मैनेज फॉर ब्रीदिंग वर्क इसको इसलिए मैनेज करते हैं ब्रीदिंग के लिए कि okay, जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसके लिए सो so, ये मदद करता है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन मदद करता है प्रिजर्व करने के लिए जेनोटाइप इसके द्वारा क्लोनल बैंक के द्वारा राइट और क्लोनल बैंक क्लोनल बैंक क्या है द कलेक्शन कलेक्शन क्लोन का ओके okay, जो क्लोन है वो क्या है एसेक्शली प्रोपगेटेड प्लान राइट सो आई होप यू अंडरस्टैंड तो ये सब एडवांटेजेस हैं ठीक है अब आते हैं डिसएडवांटेजेस में सो so, जो पहला डिसएडवांटेजेस है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये एक्सपेंसिव है ओके okay? अगर कंपेयर कंपेयर करोगे सीड प्रोपिगेशन से सीड प्रोपिगेशन चीप आ, ये चीप प्रोसेस है ये चीप मेथड है लेकिन आ, न, वहाँ पर ज़्यादा खर्चा नहीं होता है लेकिन वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में खर्चा ज़्यादा होता है ये एक्सपेंसिव है ठीक है ये एक्सपेंसिव है बहुत सारे स्पीशीज़ के लिए और जो दूसरा डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि और एक और डिसएडवांटेज इसका ये है क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट्स तो ये जो प्लांट पार्ट्स हैं उससे होता है ना तो लाइक ऐसा नहीं है कि आप जड़ों से निकाल रहे हो उसके बाद आप दूसरे जगह में प्लान कर रहे हो ऐसा नहीं है लेकिन इसमें क्या है जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं आप उसको काट के आप दूसरे लाइक आप उसको फिर प्रोपोगेट करते हो दूसरे जगह में या फिर पॉट्स में दूसरे लाइक पॉट्स में जहाँ पर अच्छा सॉइल मीडियम है तो एक डिसएडवांटेज ये है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इसमें टैबरूट रूट सिस्टम नहीं होता है टैबरूट रूट सिस्टम क्या है टैबरूट रूट सिस्टम जो सेंट्रल पार्ट है जहाज से ये आ, वराल से रूट जो है जर जरे जो हैं स्प्राउट होते हैं निकलते हैं ठीक है तो उसमें मतलब नहीं है ओके ये कमी है वेजिटेटिव प्रोपीगेसन में और राइट right. और ये क्या होता है मतलब जब आप वेजिटेटिव प्रोपीगेसन मेथड ये अप्लाई करते हो करते हो तो अगर अचानक से लाइक ये तेज़ ये हवा आ गया या फिर साइक्लोन आ गया ओके तो वो डैमेज कर सकता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को ओके okay? जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड है जैसे कि वो जो कटिंग है ग्राफ्टिंग है उसको डैमेज कर सकता है राइट right? और जो लास्ट लास्ट डिसएडवान्टज़ेस है वो ये है कि इसमें uh, ये ये हो सकता है चांसेस हो सकता है पेस और डिजीज का ओके okay? अगर आप कंपेयर करोगे सीड प्रोपोगेशन से तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में Uh, ज़्यादा ये होता है लाइक पेस और डिजीज मतलब अकर या फिर लाइक इट इट कैन कम एंड देन इट कैन डिस्ट्रॉय द प्लान वो डिस्ट्रॉय कर सकता है पेस और डिजीज और राइट सो चांसेस है पेस और डिजीज का भी ओके okay. सो so, ये डिसएडवानटेज है सो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल देयर ये वेजिटेटिव प्रॉपिलेशन के बारे में था और ये उनके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है

जो भी पेड़ का लाइक uh, like, uh, ये पोजीशन है ओके इंडिविजुअल ट्री का इंडिविजुअल पेड़ का एक एक पेड़ का पोजीशन, के okay? uh, ये जंगल में राइट सो दिस इज कॉल्ड क्राउन क्राउन दिस वन क्लास ओके सो इसके भी बहुत सारे लाइक like, uh, दे आर सो मेनी टाइप्स राइट दे आर सो मेनी टाइप्स ऑफ क्राउंड क्लासेस सो हम लोग डिस्कस करेंगे राइट वन बाई वन और इस पर मेन जो है पोजिशन जो है क्राउन लाइक आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू मैंने आपको बताया था कि पहले ही लाइक द स्टार्टिंग में ही जो क्राउन है क्राउन का मतलब क्या है जो टॉप uh, पोर्शन है पेड़ का ओके okay? जो कवर करता है राइट सो so, उसको क्राउन बोला जाता है राइट right? पहले ये जानना है आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्राउन क्या है सो क्राउन इज द अपर पोर्शन जो अपर पोर्शन है पेर का राइट सो मेन ब्रांच हो गया तो मेन ब्रांच के ऊपर सो इट्स कॉल क्राउन एंड इन हिंदी क्राउन का मतलब क्या है ताज ओके okay, तो ताज कहा पर लाइक हाउ लाइक इन अदर वर्ड्स राइट लाइक इफ यू से अगर आप क्राउन बोलेगो बोले बोलेंगे और या फिर ताज बोलेंगे राइट व्हाट इज दैट ना जो uh, राजा के okay, राजा पहनते हैं राइट right? और कहाँ पहनते हैं सर के ऊपर राइट सो द सेम वे इवन इन ट्री के पेड़ में के कौन सा पार्ट uh, क्राउन है द टॉप पोर्शन के जो ग्रीन कलर का है ऊपर सो दैट इज कॉल्ड क्राउंड सो so, इसका भी क्लासिफिकेशन है सो so, हम लोग और जानेंगे अगले वीडियो में सो so, आज के लिए इतना ही ओके जस्ट जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन जो हम लोग क्या सीखेंगे आगे की वीडियो में सो टिल देन थैंक यू